दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक खतरनाक तेज गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दीवाने ना सिर्फ भारत में हैं बल्कि हमारे पड़ोसी देश में भी उनकी जमकर तारीफ हो रही है। जी हां, जिस तरीके से बुमराह ने ब्रॉड के एक ओवर में 35 रन जोड़कर जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है, उसके बाद शोएब अख्तर भी उनकी जमकर तारीफ करने लगे हैं और उनकी तारीफ में उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आपको बेहद हैरानी होगी। आखिर क्या कह दिया शोएब अख्तर ने जसप्रीत बुमराह को लेकर, उसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में कौन है खतरनाक तेज गेंदबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जब भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर पहुंची तो सबको यही लगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ धमाकेदार खेल दिखाने वाली इंग्लिश टीम भारत को पूरी तरीके से हरा देगी, और जब बचा हुआ एकमात्र टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ तब इंग्लैंड के गेंदबाजों ने सबकी आकांक्षाओं पर खरा भी उतरे और बता दिया कि महज 98 गेंदों पर ही इंग्लिश गेंदबाजों ने आधी भारतीय टीम को पवेलियन की राह दिखा दी, जिसमें विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे और भारतीय टीम लगभग 150 रनों के अंदर ही सिमटने वाली थी। ऐसे में ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने काउंटर अटैक करते हुए यहां से भारतीय टीम के विकेट ही नहीं गिरने दिए और दिन का खेल समाप्त होने तक ऋषभ पंत ने 146 रन बनाकर इंग्लैंड से मुकाबला काफी दूर खींच कर ले गए। दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह ने अपना कमाल दिखाया और रविंद्र जडेजा ने शतक के बाद उन्होंने ब्रॉड के एक ही ओवर में आपको बता दें कि 35 रन ठोक डाले और केवल 16 गेंदों में 31 रन बनाकर उन्होंने बल्लेबाजी में कमाल कर दिया। इसके बाद इंग्लैंड के 3 विकेट निकालकर जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी में भी करिश्मा कर दिया और क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज बुमराह के कायल हो गए, तो वहीं इसी फहरिस्त में शोएब अख्तर का भी नाम जुड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज शोएब अख्तर ने जसप्रीत बुमराह की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि बुमराह ने काबिले तारीफ प्रदर्शन किया है। उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में 35 रन जड़कर बता दिया कि वो ना सिर्फ अच्छे गेंदबाज हैं बल्कि बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं और अब तो कप्तान भी बनते जा रहे हैं और अपनी टीम के लिए 100% देते हैं और एक ऐसा खिलाड़ी बहुत ही कम देखने को मिलता है। जसप्रीत बुमराह को एक कप्तान के तौर पर देखना भी काफी दिलचस्प था और अब तक इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने जितने भी फैसले लिए हैं बहुत ही सटीक और उम्दा हैं और वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और अच्छे तेज गेंदबाज भी हैं और अभी वो अपने देश के लिए कई सालों तक सेवा देने वाले हैं। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए जिस तरीके से शोएब अख्तर ने अपना बयान दिया है उसे सुनकर हर भारतीय के दिल में इस खिलाड़ी के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं जिस तरीके से बुमराह ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है वो पूरे क्रिकेट जगत में उनकी तारीफ होना भी लाजमी है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह आगे आने वाले समय में एक बेहतरीन ऑलराउंडर बन पाएंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।